नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ी बात करेंगे भारत की संस्कृति के बारे में। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि यह संस्कृति दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो जीवंतता से प्रवाहित है युगो युगों से, लेकिन फिर भी आजकल उसे विकृत करने के कितने प्रयास हो रहे हैं। आधुनिकता के प्रवाह में बहकर हमने अपनी ही संस्कृति का कई बार अपमान किया। हमारे जो महान चरित्र राम और कृष्ण जैसे, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनका अपमान करने में। हमारे महान लेखक वाल्मीकि, हमारे महान लेखक व्यास महर्षि, इन्होंने जो जो लिखा हमने उसका भी निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार लिखे हुए साहित्य को विकृत किया गया। मैं ऐसी ही एक कहानी आज आपको सुनाऊंगी। रामायण का वो प्रसिद्ध पात्र है देवी अहल्या का। कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि पति ने कहा पत्थर हो जा और अहल्या पत्थर हो गई, और फिर कुछ काल के उपरांत राम आए, राम ने उस पत्थर को पैर से छुआ और स्त्री बन गई। कितनी विडंबना। आज हम इस कहानी का उपयोग ऐसा करते थे कि बिचारी अहल्या का कोई दोष नहीं था, उसके ऊपर तो बलात्कार हो रहा था और वो भी किसी ऐसे विषय में नहीं, देवों के राजा इंद्र ने उसके ऊपर बलात्कार किया था। और बलात्कार के शिकार में स्त्री बेचारी दलित पतिता कहलाई और युगो युगो तक उसके पति ने ही उसको पत्थर होने का शाप दे दिया। दोस्तों, कहानी इसकी बिल्कुल उल्टी है। न तो अहल्या पर बलात्कार हुआ और न हो उस अर्थ में पत्थर नहीं हुआ। यह था, अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, निश्चित वो बहुत सुंदर नहीं होगी, अपने जमाने की बड़ी आकर्षक महिला नहीं होगी। एक दिन गौतम नहाने के लिए सुबह सुबह, या यूं कहे कि रात के अंधेरे में, नदी पर चले गए और अहल्या आश्रम में अकेली हो गई। और उस समय देवराज इंद्र आश्रम में आए गौतम का वेश बना। गौतम का वेश बनाकर वो आए, ये बात सही है, मूल ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन आकर उन्होंने अपना सही सही परिचय अहल्या को दिया। उन्होंने कहा कि देवी सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम चाहता हूं। अहल्या को बड़ा कुतूहल हुआ, क्या देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए उसकी बुद्धि वापस मिल गई। वाल्मीकि कहते हैं, मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। न तो ऐसा हुआ कि इंद्र ने झूठा बोला और न ऐसा हुआ कि अहल्या ने उन्हें पहचाना नहीं। परस्पर सम्मति से दोनों ने समय साथ में बिताया और जब समय हो गया तब अहल्या को होश आया कि अब मुनि आएंगे, अब क्या। और तब वो इंद्र को कहती है, गच्छ शीघ्रमिदं प्रभो, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमिदं प्रभो। हे सुरश्रेष्ठ, मैं धन्य हो गई आपके सहवास से, लेकिन अब यहां से जल्दी जाऊं। क्या ये सब ये बताता है कि अहल्या ने उनको पहचाना नहीं था? क्या यह सब बताता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था? इंद्र भी जल्दी जल्दी वहां से निकल पड़े क्योंकि उनको मालूम था मुनि देखेंगे तो जरूर उन्हें शाप देंगे, और इसलिए वो जल्दी जल्दी निकले। लेकिन उतने में दुर्भाग्य से वक्त आ गए, उन्होंने ये सारा प्रकार देखा, क्षणार्थ में समझ गए क्या हुआ होगा, और उन्होंने इंद्र को अलग से शाप दिया
और अपनी पत्नी के लिए अत्यंत दुखी हो गए। कोई भी पति जो पत्नी इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में विश्वासघात करेगी तो दुखी तो निश्चित हो जाएंगे। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने महिला को विश्वास दिया कि तुम अब कहीं बाहर नहीं निकलोगी, बंद रहोगे यहां इसी आश्रम में, किसी को मुंह दिखाने लायक तुम हो नहीं, यहीं पड़े रहो, अकेली पड़े रहो और यहां तपस्या करो, पश्चाताप करो अपने काम का, और उसके बाद जब तुम्हारे विकार शांत हो जाए और तुम्हें राजकीय सम्मान मिले, अयोध्या के राजा जब तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हें तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा अस्थि उद्धार, तब तक तो ऐसी ही पड़े। अब अहल्या को सारी बात समझ में आई, उसने क्या गलती की थी ये उसको समझ में आया और उसकी सारी संवेदनाएं एकदम से जैसे पत्थर हो गए। समझ के रखिएगा, जैसे संवेदनाएं पत्थर भी, वो तो स्त्री ही थी लेकिन वास्तव में वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी और इसलिए वहां एकांत में पड़ी पड़ी वो तपस्या करती रही। पत्थर होने का असली मतलब ये है। बहर युगों के बाद जब प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उधर से निकले तो विश्वामित्र को याद आया कि एक ऐसी पतिता स्त्री है जिसका उद्धार करना आवश्यक है और तब उन्होंने राम को कहा कि उसने काफी पश्चाताप कर लिया है, तब से तप कर अब वह पवित्र हो गई है, अब उस पतिता को फिर से समाज में स्वीकार करना जरूरी है और जब उसे राजा की ओर से सम्मान मिले तब समाज के लिए कठिन नहीं लग जाता कि उसका स्वीकार करें। पतित पावन राम, उनका दिल तो इस बात से पिघल गया कि क्या मुझे वास्तव में स्त्री का उद्धार करना चाहिए। आश्रम के अंदर गए और राम और लक्ष्मण दोनों ने अहल्या के चरण छुए, देवी उठो, अब आप उनके विकार शांत हो गए, आपने पर्याप्त तप कर लिया, अयोध्या का सम्राट दशरथ का पुत्र राम मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूं। पर तब अहल्या ने देखा कि अब उसे उसका सम्मान राजा की ओर से, राजकुल की ओर से बहाल किया गया और तब वो फिर से अपनी संवेदनाओं में आई। पत्थरवत बनी हुई स्त्री अब फिर से सम्मान के साथ खड़ी हुई, ये है अहल्या की कहानी। अब यहां दो तीन बातें ध्यान में रखने वाली है। पहली बात ये कि गलती अहल्या की थी, हम विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं बलात्कार की स्त्री नारी और उसको अपमानित किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात ये कि वो पत्थर नहीं हुई थी, उसकी भावनाएं पत्थरवत पत्थर जैसी हो गई थी। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि राम ने अहल्या को पैर से नहीं छुआ। वाल्मीकि रामायण में 47वें और 48वें बालकांड के अध्यायों में एक कथा आती है और उसमें महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्टता लिखा कि दोनों रघुकुल कुमारों ने यानी राम और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुए। किसी को पैर से छूना और किसी के पैर छूना जमीन आसमान का फर्क है। ये थे राम, तो किसी का उद्धार इतना सम्मान पूर्वक करना केवल राम को समझ और उस राम के लिए विकृत कहानियां बनाकर हमने अपनी ही संस्कृति का अपमान किया।
मित्रों ये बात जरूर ध्यान में रखें और अपनी संस्कृति को सही प्रकाश में देखें।